हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। पदार्थ नहीं बोलो, नव नव रात्रि, नौ दुर्गे, नौ दुर्गे, दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। बोला हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा पूजा। करोगी क्या? करोगी पढ़ाई नहीं करोगी कभी? क्या करोगी? नहीं है क्यों? क्यों नहीं पढ़ना है? स्माइल मत करो, मैं गुस्सा कर रही हूँ। पढ़ाई नहीं करना? इसे कब से मैं कह रही हूँ क्लास कर ले, क्लास कर ले। और मेरा लाइनर देखो, धागे से आधा आधा दोनों आईज में से उड़ गया है। सो आज है, कितना डेट है आज? 15 अक्टूबर डे है, थर्सडे। और आज हम लोग नहीं, मुझे मतलब किसी काम से जाना था, फिर वहाँ से ही हम लोग ट्रेन जो होता है ट्रेन से ले गए, ट्रेन से लेके आए हैं श्रुभि के लिए कुछ कपड़े, ज़्यादा नहीं कुछ कपड़े लेके आए। ओह मैं आपको भी कपड़े दिखाती हूँ, तो वो लेके आए, खोल दो। तो ट्रेन से जब लेके आए तो हम लोगों ने देखा कि क्या बोलते हैं कि मतलब जहाँ पे भी जो भी हम मॉल में जा रहे हैं ना, सारे मॉल में मतलब गिने चुने ही बचे हैं। बट ट्रेन में फिर फाइनली मिल गया चूबी के लिए, जो अच्छा लग रहा था। अब चूबी लगा के दिखाते हैं। चूबी लगाओ। अब ऐसे होगा, जिसका कपड़ा वही हॉल करेगा। ठीक से पकड़ो, सीधा सीधा करो ना, ऐसे ऐसे घुमा के। ये और ये इस तरीके से टी शर्ट, और ये ना इसे मोती मोती है, छोटे 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 छोटे। तो ये है टी शर्ट एंड ये लो दिखा। मैं चूबी के लिए लाइट वेट लेती हूँ, बट थोड़े दिखने में अच्छे हो बस वही देखती हूँ। मैं उसके लिए चटक मटक फ्रॉक वगैरह ज़्यादा नहीं लेती, और मॉल में इतना चटक मटक कपड़े मिलते ही नहीं है। नॉर्मली टी शर्ट्स या फ्रॉक्स मिलती हैं, तो फ्रॉक्स मैं लेती नहीं क्योंकि वो पहनती नहीं है इतना, और फ्रॉक इतनी पहनी भी नहीं जाती। इस पर यूनिकॉर्न बना हुआ है, तो एक ये लिया है। ठीक है, अब दिखाओ ये है एक डोंगरी वाइट कलर में, ऐसे ना, ऐसे ये मैं इसके साथ में पहनाऊंगी, इसको बहुत सुंदर लगेगा ना। ये अच्छा लग रहा है ना, दिखा दो इसके जो बटन है हाँ, तो ये इस तरीके से है। ब्रांड कौन सा है ये? फ्रेंड्स करके कोई फैशन कैजुअल करके है, और बहुत अच्छा डोंगरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे एक मिनट दिखाने तो दो पूरा। हाँ फ्रेंड्स करके है। सो ये लिया था एक वाइट कलर में, बहुत अच्छा लगा था उसके साथ में। तो बस यही दो तीन लिए, क्योंकि उस टाइम इसके बर्थडे से पहले ही पैंटलून से ही मैं विशाल से कुछ शॉपिंग करी थी। बिस्किट्स हैं, बनाए नहीं है, मार्केट से आए। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने ना पैंटलून से इसके लिए कपड़े लिए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसमें से भी कुछ रखे हुए हैं, तो वो पहन लेगी और ऐसे करके दुर्गा पूजा हो जाएगी इसकी, है ना। तो बस यही लेके आए हम लोग। और पता नहीं मुझे क्यों अचानक से जुकाम हो गया, वही सर्द गर्म हो जाता ना, एसी से निकलो फिर बाहर धूप था, तो तभी से हो गया। और हम लोग आके अभी 5:30 बजे मैं इसको ही लेके गई थी, और मेरी सिस्टर लो हम लोग गए थे साथ में। तो ये बस यही 3 कपड़े लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई। मैंने कहा इस बार ज़्यादा खर्चा नहीं, क्योंकि बजट भी हिला हुआ है अभी। सो दैट्स ऑल। अच्छे लगे? तू भी पूछो कैसे लगे मेरे कपड़े। बोले कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, बताना जरूर। कैसे नचीले आ गए बांदर?
आज हम करने वाले अपने बालकनी की क्लीनिंग, और ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बट क्या होता है ना, छोटे छोटे बाहर रहता है तो धूल मिट्टी के साथ साथ ये वाइट कलर गंदा होता है ना, उसके साथ थोड़े थोड़े जो भी बाहर रात में कीड़े उड़ते हैं वो लग जाते हैं, ये बहुत होता है। आपके घरों में भी है, होता होगा, क्योंकि बाहरी साइड में ये देखिए जैसे लग रहे हैं ना, ये बाहर से आके यहाँ मकड़ियों के जाले बन जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार करना पसंद करती हूँ सिर्फ। चलिए इस पर मैं जरा सा मार लेती हूँ पहले झाड़ू, इससे आराम से सारे निकल के आ जाएंगे। ये ना छोटी छोटी जो मकड़ियाँ होती हैं वो नहनी नहीं सी, और वैसे भी तो जब आती है बाहर से धूल मिट्टी तो दीवारें भी गंदी हो जाती हैं, तो दिवाली की सफाइयाँ तो शुरू करनी ही पड़ेंगी। दिवाली में देरी है तो क्या हुआ, सफाइयाँ तो होनी चाहिए फटाफट फटाफट सारी। तो हम यहाँ से पूरा मैं क्लीन करके आपको फिर दिखाती हूँ ये सारा कुछ। ऐसे अगर वीडियो बनाते बनाते करूँगी तो या तो मैं गिरूँगी या कुछ और हो जाएगा। हमने पूरी विंडो के ये मिरर है वो क्लीन कर लिए, ये भी क्लीन कर लिया, और ये भी यहाँ पे भी मिट्टी ना जम जाती है तो ये भी क्लीन कर लिया। वैसे तो ये आजकल खाली रहती है, सिर्फ मिक्कू के चेन रहते हैं यहाँ पे, एंड ऊपर से भी सारे जो है जाले वाले सारे क्लीन कर दिए हैं। अब जो बचा है ना वो सिर्फ बचा है कहाँ का, यहाँ नीचे का, ये आप देख सकते हैं जैसे कि प्लांट के पीछे है। तो इसको तो मैं हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ, तो ये इसका हफ्ता ही क्लीनिंग है। तो ये जो रह गया अब सारे आगे करूँगी, फिर इनको क्लीन करूँगी, और इनको जब तक आगे रहने दूँगी जब तक इसके पीछे एक पोछा न मर जाए, जिससे कि देख सकते हैं मेरे मिट्टू का यहाँ पे कैसे गिर गया। और इसका जो स्मेल है, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, स्मेल नहीं, इतना अच्छा लगता है मुझे कड़ी पत्ते का कि मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा आता है। सो लेमन ट्री में भी हमारे में और छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं, इसमें पता नहीं क्या हुआ है, आ क्यों नहीं रहे, सूखता जा रहा है थोड़ा बहुत, कुछ तो हुआ है इसमें। सो चलिए कोई बात नहीं, ये सारा क्लीन करते हैं जितना भी डर्ट है यहाँ पे। तो कहते हैं ना, जब तक पेट पूजा नहीं होती तब तक काम दूजे में मन नहीं लगता, कहावत तो ऐसे है, पहले पेट पूजा का बाद में काम दूजा। तो ये कहावत बिल्कुल फिट हुई है आज मेरे ऊपर, बिकॉज मुझे आज इतना भूख लगा अभी अचानक से। एक्चुअली सुबह में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिर्फ चाय के साथ दो बिस्किट खा लिए थे, तो मुझे ना बहुत भूख लग रहा था। तो नहाने के बाद तो मैंने कहा पहले नहा के मैं कुछ खा लेती, तो थोड़ा सा भुजिया खा लिया, शांति हो गई, अब ठीक है, अब काम करने में लगेंगे। और वेदर बहुत ही बढ़िया वेदर हो रहा है, मतलब अमेजिंग से भी सुपर डुपर अमेजिंग वेदर हो रहा है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है, हवा भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, बस क्लाउडी है, ठंडा। और कपड़े धुलने लगा दिए हैं, आज पूरा बालकनी क्लीन कर लिया, पूरा क्लीन हो चुका है, आपको एक बार दिखा, देख सकते हैं सारे जितने भी डर्ट है सब पोछ के सारा कुछ इसके पीछे से सब निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। ये तो होता ही है, मतलब ये तो हफ्ते का क्लीनिंग है ही है मेरा, और ये सब भी आज पूरा क्लीन कर लिया।
तो ये कट चुके हैं पटेटो, अनियन एंड कैप्सिकम, तो तीनों चीज़ मैंने कट कर लिया है और अब मैं बना लूँगी। सोचा था अभी बना दूँ, फिर सोचा नहीं अभी नहीं बनाती हूँ, चाइनीज़ राइस और ये सब सारी चीज़ें उसमें हम डाल के, और भी सब्जी आप गाजर और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और वेदर देखो कितना ब्यूटीफुल हो रहा है और मुझे उठाने पड़ेंगे अपने सारे सूखे कपड़े। बादल आ गए, ओह माय गॉड, और वो वाला जो पेड़ है ना टाप का, वो वाला इन सब पे डाब लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं है ना, ये देखो डाब लगे हुए हैं इस पे, वो उस पे भी है, वहाँ पे ठंडा ठंडा प्यारा प्यारा वेदर। भाई में तेल गरम और इसमें गई मूंगफलियाँ और ये होंगी पहले अच्छे से फ्राई, अब डाल देंगे हम इसमें आलू। मूंगफलियाँ हो चुकी हैं, प्याज, और जस्ट थोड़ा सा कैप्सिकम। आधा कच्चा होने के बाद अब हम नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी से हो जाए। टमाटो केचप, सिरका, सोया सॉस अच्छे से होने देंगे। चावल ना पहले ही बना ले लीजिए, नहीं तो फिर क्या एकदम आप गरम गरम डालोगे ना तो चावल ना हलवा हो जाएगा फिर इसमें डालोगे तो इसलिए पहले चावल को पहले से ही कुक करके रखा है 2 घंटे पहले से ही, तो ठंडा हो गया हमारा चावल पूरा अच्छे से, अब हम इसमें डाल देंगे लेकिन अच्छे से इसको होने के बाद। चावल ऐड कर दिए, अब इसको अच्छे से बस मिक्स करना होगा हमको। इसमें चाहे तो आप मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं बट हस्बैंड मेरे नहीं खाते इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक लेमन ऐड कर दूंगी, अगर लेमन अवेलेबल नहीं है तो अमचूर डाल लो और अमचूर अवेलेबल नहीं है तो लेमन डाल लो, मेरे पास दोनों ऑप्शन है बट मैं लेमन डालूंगी अभी। ये लो बन के तैयार हो गया हमारा, इसको ढक के रख देंगे हम बन करके। चलो टमाटो पटेटो और टमाटो पटेटो ओनियन, हाँ वेरी गुड, और फ्रूट्स नेम में मैंगो ऑरेंज, मैंगो लीची ऑरेंज और हाँ और और एप्पल, वेरी गुड। अब ब्लॉग एंड कर दें पक्का, चलो। सो अब आ गया, एक्चुअली मैं आटा लगा रही थी, आटा लगाते लगाते इसको पढ़ा रही थी, तेरे हमारा लग चुका है आटा यहाँ पे, अब लोग ही लो थोड़ा सा, तो आटा हमारा लग चुका है और इसको खेलना होता है आटे से, तो आटा लग गया अब खाने बनाऊंगी। इसमें तड़का दाल बनाने जा रही हूँ, तो दाल इसमें बॉइल है, हाँ सब लोग देखिए कैसी लग रही है। मुझे नहीं लाया मुझे हाँ नहीं खाओ, अच्छा मम्मा ने खा था, मम्मा मुझे नाना है, मम्मा मुझे कुछ चाहिए, भुजिया भी चाहिए, अजैम सा भी चाहिए।
सो अब ब्लॉग एंड कर देते हैं क्योंकि दाल तड़का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर बाद में शेयर करेंगे कभी फिर से। और एक्चुअली ना जो बनाओ सब शेयर करने नहीं चाहिए, ब्लॉगर्स की लाइफ यही होती है। और आज इसको भी मैंने वॉश कर दिया जो हमारा अदरक टूटने का है। एक्चुअल में यहाँ पे अदरक का निशान की वजह से ये देखिए कितना डार्क डार्क हो गया था, बट अभी वॉश कर दिया तो कम हो गया, मतलब साइड में भी लग गया था जो वाइट वाइट दिख रहा है साइड, ये भी हो गया था। तो ये क्लीन कर दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें के और मिलेंगे ना बड़े में जो थोड़ा सा, तो वो भी लेके आऊँगी, अच्छा लग तो सब लगता है। ब्लॉग एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, रोटियां बनानी है, काम करना है और भी, और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्र। नवरात्रे कल से चालू है ना, हैप्पी नवरात्रे टू बी। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटीमेट वाइब्स के बारे में। जी हाँ, इंटीमेट वाइब्स क्या है वो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। आप ये कहाँ से खरीदा है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अभी इसके बारे में बताती हूँ कि ये क्या फायदा है। हम प्रॉपरली कहीं भी बाहर जा रहे हैं या कहीं भी हमें ऐसा हाइजीन एरिया क्लीन करने के लिए अगर हमें वाइप्स की लगती है, तो नॉर्मल जो वाइप्स होते हैं जिसमें कुछ में केमिकल भी होते हैं, किसी में फ्रेग्रेंस ऐसी होती है, वो आपके हाइजीनिक एरिया में जलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जलन, यस, आपको इचिंग फील करा सकते हैं या आपको हार्म भी कर सकते हैं। सो ये जो है ये केमिकल फ्री है, इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। और ये ट्रेवल फ्रेंडली है, हर लेडी के बैग में मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइप्स होते ही होते हैं। बट अगर ये वाइप्स भी वहां पे अगर आपके बैग में रहेंगे तो आपको वो जो केमिकल वाले वाइप्स हैं वो आपको यूज नहीं करने पड़ेंगे, और इस वाइप से आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और कोई, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लेडी अपने प्राइवेट पार्ट्स या ऐसा कोई रिस्क लेना पसंद करेगी अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ, राइट? सो लिंक अगर परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके,